हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 साइमल्टेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहां पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लिया है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टू इक्वेशन दी गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, लेकिन इन इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मेथड ऑफ इलिमिनेशन वाई सब्स्टिट्यूशन। इलिमिनेशन वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो चलिए फ्रेंड देखिए, जो ये ऊपर इक्वेशन लिखी है 2x+3y = 8, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। नीचे जो इक्वेशन लिखी है 2x = 2+3y, इसे इक्वेशन नंबर टू लिख लेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए जो इक्वेशन नंबर टू है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर टू से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन टू, टू से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो क्या करेंगे देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर से ये एक्स का कोफिशियंट है यहाँ पर टू, इससे टू को उठाएंगे, राइट साइड में जो लिखा है यहाँ पर 2+3y, इसके नीचे लिख देंगे आकर के 2 को, तब हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी जो मैंने आपको बताया जो x का कोफिशियंट है 2, उसे मैंने राइट साइड में जो लिखा है 2+3y, इसके नीचे लिख लिया है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 2+3y/2। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। अब फ्रेंड ये जो एक्स की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ली है 2x+3y = 8। तो देखिए यहाँ पर से एक्स, जहां पर मैं क्रसर मूव कर रहा हूँ, इस एक्स की जगह पर हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी है 2+3y/2। तो चलिए फ्रेंड इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 2+3y और इधर ये 3y, इसे हम लोग लिख लेंगे। और इक्वल में जो ये 8 है, इसे मैंने एज इट इज ऐसे लिख लिया है। तो अब हम फ्रेंड थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3y+3y, ये इनको प्लस करेंगे, तब यहाँ पर ये नीचे हम लोग लिख लेंगे 6y और = 8 लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो ये प्लस का 2 लिखा है, इस 2 को उठाएंगे राइट साइड में ले आएंगे, तब ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो ये 6y तो फ्रेंड एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए 8 में से 2 चला जाएगा, तब ये 6 बचेगा। तो ये 6y = 6 हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए 6 दोनों साइड में है, तो ये वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हमें मिली है, ये y = 1 मिला है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए y की तो वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे तो 2 में पुट करें, चाहे तो 3 में पुट करें। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है x = 2+3y/2। हम लोग यहाँ पर x, जहाँ पर y लिखा है, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए फ्रेंड देखिए, ये मैंने यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी है 1। तो इसे और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर ये, जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये 2+3 बन जा 3, यानी कि ये 5/2 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसकी वैल्यू यहाँ पर 5/2 आ जाएगी एक्स की। तो फ्रेंड यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। फ्रेंड मैंने यहाँ पर वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट की, आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दें, तब भी एक्स की वैल्यू जो है 5/2 ही आएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो फाइनली इसका आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी मोर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
और अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।